हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, मैं भव्या हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको घर बैठे एक्सप्लोर कराने वाली हूँ सीलमपुर की थर्सडे मार्केट। इस बार इंदरलोक मार्केट इतनी अच्छे से लगी नहीं थी, मैं वहाँ पर भी गई थी तो वहाँ का कल इतनी मेरे को अच्छे से लगी मिली नहीं, इसीलिए फिर मैं बाद में सीलमपुर मार्केट गई जो थर्सडे को लगती है। ठीक है, तो सीलमपुर थर्सडे मार्केट बहुत ही बड़ी है, मतलब तो इसके लिए इसका पार्ट टू भी आने वाला है। ये पार्ट वन है और पार्ट टू भी मैं इसका जल्दी से अपलोड कर दूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। ये मार्केट बहुत ही बड़ी है, सो इसकी लोकेशन समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने आपके लिए साथ साथ में लोकेशन मतलब दिखाती रहूँगी, मैं आपको बता के चलती रहूँगी। तो वीडियो को अगर स्किप करके आप देखोगे तो आपको लोकेशन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखना। तो आज इसमें मैंने लोकेशन अच्छे से आपको बता रखी है और दिल्ली में गर्मी का पारा बहुत ही बढ़ गया है, तो आप अपने साथ मार्केट विजिट करते टाइम वाटर या फिर जूस या फिर नींबू पानी वगैरह कैरी कर लिया कीजिए, क्योंकि मार्केट में गर्मी की वजह से आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। सो यू कैन ऑलवेज कैरी वाटर विद यू व्हेन यू विजिट एनी ऑफ द दिल्लीज मार्केट। तो इस बार इंदरलोक मार्केट इतनी अच्छी से लगी नहीं थी, तो इस बार मैं थर्सडे मार्केट गई थी सीलमपुर की। तो आज मैंने यहाँ का इसमें इधर मतलब बहुत ही अच्छा कलेक्शन देखा। पार्ट टू में भी जैसे पार्ट वन इतना धमाकेदार इतना बढ़िया होने वाला है, वैसे ही पार्ट टू भी इतना धमाकेदार और बढ़िया ही आएगा। तो उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना। और अब से गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपको वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड कर दी है। तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और तो थोड़े थोड़े क्लिप्स तो मैंने पहले ही ऐड कर दिए हैं। तो आज की मार्केट जो मैं सीलमपुर दिखाने वाली हूँ पार्ट वन में, बहुत ही बढ़िया से बढ़िया मैंने आपको कलेक्शन दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, सीलमपुर मार्केट इंदरलोक मार्केट के डबल है, मतलब बहुत ही बड़ी है। पता नहीं पान वाली गली, मंदिर वाली गली, पार्क वाली गली, स्कूल के पास वाला एरिया, सूट मार्केट, मतलब बहुत बड़ी है। साथ साथ में आप मतलब समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता के चलती रहूँगी, तो आप अच्छे से देख लेना। इस मार्केट में भी आपको इंदरलोक वाला ही कलेक्शन मिलेगा। अगर आप इंदरलोक मार्केट मतलब नहीं जा पाते हो किसी भी वजह से, तो आप सीलमपुर मार्केट भी आ सकते हो। ये दोनों मार्केट्स ही एक ही दिन को लगती है, मतलब सीलमपुर भी थर्सडे को ही लगती है और इंदरलोक भी थर्सडे को ही लगती है। तो आप दोनों में से कभी भी आ सकते हो। अगर आप इंदरलोक भी विजिट करते हो तो आप बाद में सीलमपुर भी आ सकते हो, क्योंकि ये मार्केट आपको जैसे इंदरलोक 7 बजे तक 7:30 तक लग जाती है, लेकिन ये मार्केट 8:15 मतलब इसको 9 तो बज जाते हैं पूरी मार्केट में लगने, मतलब 9 तो बज जाते हैं। तो आप उस टाइम भी विजिट कर सकते हो, इंदरलोक मार्केट के विजिट करने के बाद भी आप इधर आ सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग गाइज, तो अच्छे से देख लेना। अगर आप दिल्ली की ट्रेंडिंग मार्केट्स के लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यानी भव्या के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। तो गाइज यहाँ पर आपको मिल रहे थे ओनली 30-30 रुपीज में बैंगल्स और इयररिंग्स वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह, नेकलेसेस वगैरह। तो ये सुबह ही मैं जब गई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने ये सेल देखी ओनली 30 रुपीज में आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया ब्रेसलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। इसकी भी मैं लोकेशन आपको दिखा दूंगी। इस यहाँ इस मतलब स्टॉल पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी सुबह ही कि इतनी मुश्किल होती थी मेरे को वीडियो बनाने में, लेकिन मैंने जैसे तैसे आपके लिए यहाँ का कलेक्शन कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप 30-30 रुपीज में आपको ऐसे बढ़िया वाले मिल सकते हैं ब्रेसलेट्स यहाँ पर आकर। ठीक है, और कड़े वगैरह भी थे, नेक पीसेस वगैरह भी थे, इयररिंग्स वगैरह भी थे, सारी मतलब सारी ही जितनी भी आप स्टॉल में कलेक्शन देख रहे हो ना, ये सारे जो बैंगल्स मैं दिखा रही हूँ, कड़े वगैरह सारे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में आपको मिल रहे थे। ठीक है, तो ये देखो ये वाला ब्रेसलेट भी
मतलब अच्छा कलेक्शन था, 30 रुपीज़ में क्या ही आता है, और इतना बढ़िया कलेक्शन आपको ओनली 30 रुपीज़ में मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी मैं लोकेशन आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो आप जाके यहाँ से देख सकते हो, ये देखो 30 रुपीज़ में ये बैंगल्स का कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो ये देखो, इतनी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई, मैं आपको वीडियो भी दिखा देती हूँ। देखो मैं इतनी मुश्किल से वीडियो बनाई आपके लिए। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा सामने की तरफ मेन रोड है, और आगे जब मैं गई पूरी, मतलब इसी रोड पर एक ही रोड है, मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, वही वाली रोड मैंने अभी भी दिखाई है आपको। वो सीधी रोड पर पटरी मार्केट लगती है, तो मतलब पटरी मार्केट में आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी फैब्रिक्स की। ये जो आप फैब्रिक देख रहे हो, ये दुपट्टे का फैब्रिक है, 60 रुपये मीटर का ये फैब्रिक आपको मिल जाएगा। मतलब आप इसको बढ़वा सकते हो इससे दुपट्टा, मतलब इस पे बॉर्डर वगैरह बने हुए थे, तो ये दुपट्टे का ही फैब्रिक था 60 रुपये मीटर के हिसाब से। आप पूछ कर लेना कि डायबल है कि नहीं है। ठीक है, और ये देखो ये 100 रुपये मीटर का है, कोई 150 रुपये मीटर का है, कोई 200 रुपये मीटर का है, मतलब इनके पास भी फैब्रिक का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। तो मतलब आपको इनके पास भी, मतलब ये जो पटरी मार्केट में है ना, बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, पूरी मार्केट सीलमपुर मार्केट पूरे मतलब फैब्रिक से भरी पड़ी है। तो अगर आप एक शॉप से अगर आपको नहीं भी पसंद आता तो आप अगली शॉप से भी ले सकते हो। और ये ऐसी पट्टी मिल रही थी 10 रुपये मीटर के हिसाब से, मतलब एक पट्टी जितनी भी मीटर की होगी वो 10 रुपये की आपको मिलेगी। जैसे इसमें दो पट्टी है तो ये आपको 20 रुपये में मिलेगी, और अगर आप जैसे ये कट पीस इसमें 7-8 पट्टियाँ होंगी तो वो 70 की होगी या 80 की होगी। जैसे जिस मतलब एक पट्टी अगर आप कट करवा के लेते हो वो 10 रुपये की मिलेगी, और अगर आप ऐसे पूरा कट पीस देखो, ये है इसका प्राइस, मैंने मुझे 100 रुपये बताया था, तो ऐसे आप ले सकते हो। इस कलर भी इनके पास आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारा बुटीक कलेक्शन होता है, मतलब जितने भी बुटीक वाले होते हैं उनको पता ही होता है किस काम आती है। और ये देखो इन्हीं के अपोजिट में ये लेसेस वाले भैया थे। ये जो आपको कलेक्शन ये दिखा रही हूँ ना, जब आप वो रोड मेन रोड पे आते हो, ये मार्केट जब आपको लगी मिलती है, तो एक आपको फर्स्ट कट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट कट का भी कलेक्शन दिखाऊंगी, सेकेंड कट का भी दिखाऊंगी। तो मैं फर्स्ट कट में मुड़ी हूँ, जिसके लास्ट में जब इस कट में मुड़ोगे तो सीधा पार्क आएगा। ठीक है, आप पूछ भी सकते हो उस कट से, मतलब उस कट से जाने से पहले कि इसके लास्ट में पार्क है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वही वाला कट है। तो ये देखो ये 10 रुपये मीटर, 20 रुपये मीटर, सबके अलग अलग प्राइजेस होंगे। स्टार्टिंग जो हो जाती है वो 10 रुपये मीटर से हो जाती है। ठीक है, ये देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ गली। ठीक है, ये गली देखो, और ये है कट। ठीक है, मैंने बोला ना लोकेशन साथ में दिखा के चलती रहूँगी, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे आपको शरारा वाले सूट्स लहंगे वगैरह मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग जो हो जाती है वो 1000 रुपये से हो जाती है, 1250 रुपये का ये आपको दुपट्टा भी इसके साथ मिलेगा, और ये क्रॉप टॉप का ये सेट था। ठीक है, इसमें आपको स्कर्ट वगैरह दुपट्टा सारा मिलेगा अच्छे से। तो आप हर चीज़ को चेक करके लेना सीलमपुर मार्केट में भी। ठीक है, सुबह सुबह आते हो इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप लेट हो, जैसे 11-12 बज जाते हैं, 10 या 11:30, तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो आप कोशिश करना कि आप 9, 9:30 या फिर 8:30 बज तक पहुंच जाओ। वैसे 9 बज तक पूरी मार्केट लग जाती है अच्छे से, तो आप 9:30 या 9:15 बजे ही आना। मैं तो जल्दी चली गई थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो हो जाती है वो 1000 रुपये से हो जाती है। जैसे इनके पास आप देख रहे हो, ऐसे आपको डिज़ाइनर गाउन वगैरह मिल जाएंगे। जैसे ग्रीन मार्केट तो आपको पता ही है संडे को लगती है, जैसे आपको पहले लेना हो तो आप थर्सडे मार्केट सीलमपुर में भी विजिट कर सकते हो, यहाँ से भी आप लहंगे वगैरह गाउन वगैरह ले सकते हो। ये जो वाले जितने भी आप गाउन वाले भैया वगैरह देखोगे ना पार्ट टू में मैं आपको दिखाऊंगी, वो सारे आपको ग्रीन मार्केट वाले ही मिलेंगे। तो अगर आप संडे को नहीं भी जा पाते हो तो आप थर्सडे को ले सकते हो। ठीक है, और अब मैं उस गली से बाहर आ गई हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको उस फिर से वही वाला पटरी कलेक्शन दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको 160 रुपीज़ में बच्चों के कपड़े मिल रहे थे। इसमें साइज आपको भैया कह रहे थे 12-13 साल का, लेकिन मैंने खुद 14 से लेकर 15 साल तक के बच्चे का साइज़ देखा, मतलब बड़े बड़े साइज़ भी थे, और प्राइस वाइज भी ओनली 160 रुपीज़। ये देखो ये जो मैं ड्रेस देख रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको, मतलब ये 160 रुपीज़ की आपको ड्रेस मिल जाएगी। इसके साथ पजामी वगैरह होगी, और बॉयज़ का भी इनके पास बहुत ही बढ़िया कलेक्शन था। मतलब बॉयज़ के कपड़े थे, मतलब उनके मतलब बॉयज़ के कपड़े में भी आपको ब्लेजर्स कोट्स वगैरह का कलेक्शन मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो ओनली 160 रुपीज़ में
आपको बच्चों का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये बॉयज़ का ये ब्लेज़र था, इसके साथ आपको पैंट्स मिलेगी। ये मेरे को लग रहा था 3-4 साल के बच्चे तक का ये साइज़ था, और प्राइस भी ओनली 160, मतलब 160 में आप कोई सा भी साइज़ ले लो, कोई सा भी पीस ले लो, मतलब सेल लगी हुई थी, मतलब 160 रुपये में यहाँ से आके आप ले सकते हो। और ये देखो, ये भी बॉयज़ का कुर्ता पजामा का सेट था, मतलब कोट वाले सेट, ब्लेज़र वगैरह सारे, मतलब डिज़ाइनर जितने भी बॉयज़ के कपड़े थे ना, उनका कलेक्शन इनके पास था, और प्राइस वाइज भी ओनली 160 रुपीज़ का था। तो आप यहाँ से भी आके अच्छे से चेक करके ले सकते हो। और ये भी मार्केट पटरी पे ही लगी हुई थी, तो इनके पास से भी आके आप ले सकते हो। इनका कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इनके पास आपको गर्ल्स के कपड़े भी मिल जाते हैं, बॉयज़ के भी मिल जाते हैं, और बॉर्न बेबी के तो मैंने देखे नहीं, लेकिन मतलब स्टार्टिंग जो हो जाते हैं साइजेस की, वो 2 से 3 साल तक के बच्चे के हो जाते हैं। और ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, इसके ऊपर ब्लेज़र, अंदर कुर्ता, और इसके साथ पैंट था ओनली 160 रुपीज़ में। देखो टैग वैग सारे न्यू कपड़े हैं, देखो अंदर ये कुर्ता लगा हुआ है, और इसका साइज़ भी 10 से 12 साल तक के बच्चे का था, ठीक है। और ये देखो, इसके साथ ब्लू कलर का ये पैंट्स आपको मिल जाएगा, अच्छे से पहना आकर मतलब बच्चे को आप देख सकते हो। और ये देखो 160 रुपीज़ में ये गर्ल्स का आपको, और टॉप के साथ ऐसे ही आपको ये मिला था प्लाजो, तो ये भी बड़ा साइज़ था। मतलब मैंने बड़े साइज़ आपको दिखाने की कोशिश की है कि जैसे बड़े साइज़ में गर्ल्स की या बॉयज़ के ऐसे अच्छे से कपड़े नहीं मिलते हैं, साइज़ मतलब प्राइस वाइज भी ओनली 160 में तो नहीं ही मिलते हैं, तो यहाँ से आके आप ले सकते हो, ठीक है। और ये देखो सारे कपड़े हैं, सारे अच्छे से चेक वगैरह करके देख रहे थे पहना पहना के बच्चों को, तो आप भी जब भी विजिट करो इनकी शॉप पर तो अच्छे से पहना के देख कर लेना। और ये है आज के पार्ट 1 का सबसे, मतलब क्या ही कहूँ, बढ़िया वाला कलेक्शन, ठीक है। इसकी भी मैं लोकेशन आपको दिखा दूँगी। इनके पास आपको चिकनकारी कुर्ती का कलेक्शन, ये देखो ये क्रोशिए की कुर्ती है, स्टार्टिंग जो हो जाती है वो 900 रुपये से हो जाती है, और मैक्सिमम प्राइस 1800 रुपये, मतलब 1800 के अंडर मिलेगा, ठीक है। कभी कभार उसके ऊपर भी आ सकता है, लेकिन मैंने मुझे 1800 रुपये बताया, तो मैं आपको उसने ही बता रही हूँ कि 1800 के अंडर ही मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये आपको चिकनकारी कुर्ती मिल रही है, इसके साथ आपको दुपट्टा मिल रहा है, लेकिन इसके साथ आपको पैंट्स नहीं मिलेगा, मतलब इसका जो प्लाजो वगैरह, मतलब ये अनस्टिच था, आपको स्टिच कराना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ आपको पैंट्स नहीं मिलेगा, सिर्फ दुपट्टा और कुर्ता मिलेगा, ठीक है। सबके अलग अलग प्राइस होंगे, 900 से स्टार्टिंग हो जाती है। और ये देखो इसका दुपट्टा, इनके पास मुझे मतलब चिकनकारी कुर्ती का बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिखा। लोकेशन आप देख लो, SM ट्रेडर्स का ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और आगे देखना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है भैया की शॉप, पीछे देखो ये कलेक्शन लगा हुआ है कुर्तियों का, ये भैया बैठे हुए हैं। ये अंकल जी ने ऐसे ही मतलब पटरी पर अपनी शॉप लगा रखी थी। इनके पास आपको ऐसे जैसे हम गीता वगैरह के लिए पढ़ते हैं वैसे रख के पढ़ने वाला, ये संदूक सी नीचे बनी हुई थी और ऊपर ऐसे स्टैंड सा बना हुआ था, ठीक है। इनके पास ऐसा आपको हवा हवाई वाला पंखा मिल जाएगा, 80 रुपीज़ इसका प्राइस बताया। इसमें भी आपको कलर्स वगैरह सारे अवेलेबल होंगे, मतलब देखो पिंक कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था। और इनके पास ऐसे वुड की कॉम वगैरह भी मिल रही थी, ये भी 80 रुपीज़ की थी। इनके पास आपको मिरर्स वगैरह, वॉचेस वगैरह मिल जाएंगी, 500 मैंने लिख दिया है, ठीक है, 500 के अंडर मिल सकती हैं आपको, मतलब मिल जाएंगी इनके पास। और पर्सेस वगैरह भी थे, मतलब वुडन का इनके पास ज़्यादा कलेक्शन मेरे को देखने को मिला। ये जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ, इसकी भी मैं लोकेशन आपको दिखा दूँगी। अब मैं गई थी बैक साइड, मतलब जो स्कूल हो, मतलब था स्कूल के सराउंडिंग में भी सीलमपुर थर्सडे मार्केट लगती है, पार्क पार्क करके ही स्कूल आ जाता है, तो वो वाली मार्केट अब मैं दिखा रही हूँ, जिसे सूट मार्केट भी बोलते हैं। तो इसकी भी मैं लोकेशन आपको दिखा दूँगी। ये मुझे 150 रुपीज़ की ये ट्रे देखने को मिली। ये जितने भी मैंने इनके पास कलेक्शन देखा ना, ये मैंने सारा होटल्स वाला, मतलब जो होटल वगैरह अगर आपको ओपन वगैरह करना है तो यहाँ से आके आप ले सकते हो, क्योंकि ये जो मैं ट्रेज मैंने इनके पास देखी ना, ये सारी मैंने मास्टर शेफ में देखी हुई हैं। जब वो कुक करते थे ना, तो इसी ट्रेज में अपनी मतलब सारी डिशेस को सर्व करके
शेफ्स के आगे रिप्रेजेंट करते थे, तो वो वाली सारी मैंने ये ट्रेज इनके पास देखी और प्राइजेस भी जेन्युइन थे। मतलब भैया बोल रहे थे मतलब कि 80 रुपीज़ की आपको ये ट्रेज मिल जाएंगी। और इनकी जो क्वालिटी थी, भैया ने मुझे बताया कि ये जापान मतलब इम्पोर्टेड है जापान से, ठीक है। और ये मेलामाइन वगैरह मतलब अलग अलग जितने भी इन्होंने मतलब मुझे नाम बताए, मुझे तो याद भी नहीं है वैसे। मतलब इनका जो मटेरियल है वो कोई मेलामाइन है, कोई सेरेमिक है, मतलब अलग अलग मटेरियल में ये ट्रेज वगैरह आपको इनके पास से आके आप ले सकते हो। लोकेशन मैं आपको दिखा दूँगी, अगर आपको होटल वगैरह या फिर आपको घर के लिए भी लेना है तो इनसे आके आप ले सकते हो। सिंगल पीस इनके पास मिल जाता है, ठीक है। ये वाली ट्रे जैसे बनाना का मतलब पत्ता होता है ना, वैसी वाली ट्रे थी ये। ये देखो, इसमें आप सॉसेस वगैरह रख सकते हो, जितनी भी आइटम्स थी ना ये सारी आइटम्स मेरे को मतलब इम्पोर्टेड वाली दिखी। ये वाली जो थी ये मेलामाइन की थी, ये माइक्रोवेव की प्लेट्स थी, माइक्रोवेव मतलब ओवन के लिए ये यूज़ की जाती हैं। तो इसका प्राइस भी अंकल जी ने मुझे बताया, प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दिया है। इनसे आके आप ऐसे 300 की 6, 250 की 6, 100 की 6, मतलब ऐसे दे रहे थे ये 6 पीसेस। इनसे आप डिनर सेट वगैरह भी बनवा सकते हो, ठीक है। और ये देखो, ऐसे आइसक्रीम कप वगैरह जो होते हैं ना, हमने देखे होटल्स वगैरह में, वो वाला मतलब कलेक्शन था इनके पास। ऐसे ट्रेज वगैरह आपको बढ़िया बढ़िया देखने को मिल जाएंगी। और ऐसे बाउल्स वगैरह, बाउल्स का भी इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था, और कटोरी वगैरह का, बॉटल्स भी थी इनके पास कांच की, आगे मैं आपको दिखा दूँगी। और ये देखो, ये बहुत ही हैवी ट्रे थी जो मैंने आपको पहले दिखाई। सबके प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दिए हैं, तो आप देख लेना। और ये है 100 की 6 कटोरियाँ, प्राइस आप देख ही सकते हो, ठीक है। और इसमें ऐसे कुल्लड़ वाली भी कटोरियाँ थी, मतलब कुल्लड़ जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन ये थी उसमें मेलामाइन में थी ये, ठीक है। ऐसे आपको ग्लास की बॉटल्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। और ये देखो पीछे इनके ऐसे वो भी मिल जाएंगे सॉसेस वगैरह रखने के लिए, ऐसी छोटी छोटी प्लेट्स वगैरह, कटोरियाँ वगैरह इनके पास, मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन था। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इनकी कलेक्शन का कवर किया है शॉप का। तो ये देखो, इनके पास आपको स्पून्स वगैरह मिल जाएंगे। इनकी लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ, इन्हीं के अपोजिट में ही मतलब कॉटन के सूट्स मिल रहे थे ओनली 350 रुपीज़ में। इसके साथ आपको दुपट्टा भी मिलेगा और पैंट्स का कपड़ा भी मिलेगा। अनस्टिच थे ये सारे ही मतलब, लेकिन जो इसका कॉटन का फैब्रिक था ये मिक्स फैब्रिक था, लेकिन फैब्रिक अच्छा था। तो इनसे भी आके आप ले सकते हो 350 रुपीज़ में। जितना भी कलेक्शन आप देख रहे हो ये ओनली 350 में आप कोई सा भी सूट लेकर जा सकते हो, होलसेल में, रिटेल में, जैसे भी आपको लेना है। तो ये देखो, ये स्कूल वाली गली है, स्कूल के पीछे वाली, और ये अंकल जी बैठे हैं साथ में। देखो ये ब्लैक कलर का ये गेट लगा हुआ है, तो इससे भी आप पहचान सकते हो। और अगली शॉप पर मैं आके आपको लेकर आ गई हूँ। इनके पास आपको ऐसी मोजरीज का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात ये है कि इनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं आपके साथ कार्ड भी शेयर कर दूँगी। तो और प्राइस वाइज भी इनका बहुत ही कम है, ओनली 250 रुपीज़ में ऐसे आपको मोजरीज मिल जाएंगी। मैंने 300 इसलिए लिखा है कि कभी कभार हैवी कलेक्शन आ जाए और जब आप विजिट करो तो मतलब आपको लगे कि मैंने तो कम बताया था, फिर आपको ज़्यादा प्राइस मिले, इसलिए मैंने लिख दिया कि 300 प्राइस। वैसे ही जितनी भी मोजरीज आज मैं आपको दिखा रही हूँ सारी ही 250 की थी। और इससे भी अच्छी बात ये है कि आपको जैसे आपके बेबीज़ वगैरह हैं, गर्ल्स बेबीज़ हैं, उनके साइज़ की भी इनके पास मोजरीज मिल जाएंगी, और उसका प्राइस उससे भी कम है, 200 रुपीज़, ठीक है। तो इनसे भी आके आप ले सकते हो। कार्ड नंबर वगैरह सारा मैं शेयर कर दूंगी, और क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी ये कार्ड, आप देख लो, ठीक है। नंबर वगैरह सारा मेंशन है, कार्ड गिर गया। और ये देखो, उमर कलेक्शन के नाम से इनकी शॉप है, किसी से भी पूछ लेना, सारा कलेक्शन मतलब एड्रेस वगैरह मेंशन है कार्ड के अंदर। ये देखो भैया छोटे साइजेस दिखा रही हैं, देखो ये सारे छोटे साइजेस हैं, और कलेक्शन देखो 200 रुपीज़ में कितने सारे डिज़ाइंस हैं। अपनी गर्ल बेबी को लेकर आओ और पसंद करवा के ले जाओ, साइजेस वगैरह सारी अवेलेबल हैं, कोई सा भी साइज ले सकते हो। और ये टीनेजर्स के लिए भी थी, ठीक है। तो गाइस, आज का व्लॉग ख़त्म हुआ, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पार्ट टू भी जल्दी से आ जाएगा,
तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख के मतलब बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बाय बाय गाइज़।